कलेक्टर बलरामपुर के निर्देशों का नहीं हो रहा पालन। धान खरीदी केंद्र वर्दी कला में किसानों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं कराया जा रहा मुहैया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान खरीदी जोरों पर है। इसी दौरान आज छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा खरीदी केंद्र वर्दी कला में पहुंचे, तब वहां की व्यवस्था देखकर दंग रह गए। आपको बता दें कि वर्दी कला खरीदी केंद्र एक भी मजदूर आज किसानों को मुहैया नहीं कराया गया था, जबकि लगभग 2000 बोरी धान की खरीदी आज हुई है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को सर्व सुविधा देने की बात करती है, वहीं जमीनी स्तर पर जाने से पता चलता है कि सिर्फ व्यवस्था बातों में और कागजों में है। वास्तविक किसानों को सिर्फ परेशान करने के अलावा और कुछ नहीं। जब मीडिया कर्मियों ने खरीदी प्रभारी से बात किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें मजदूर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, हमें किसी प्रकार का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं दिया गया है। जब हमने फोन के माध्यम से तहसीलदार बाड़नगर से व्यवस्था के बारे में बताया तो उन्होंने तत्काल व्यवस्था सुधारने की बात कही। अब देखने वाली बात होगी कि व्यवस्था सुधरती है या सिर्फ इसी तरह किसानों को परेशान होना पड़ेगा। वर्दी कला खरीदी केंद्र में आकस्मिक दौरा रहा, इस दौरान का देखने को मिला सर, संक्षेप में जानकारी दें। देखिए, आज वर्दी कला के धान केंद्र है, खरीदी केंद्र है, हम देख रहे हैं कि किसानों की परेशानियां जो शिकायतें आ रही है कई जगह कि ज़्यादा धान तोले जा रहे हैं, जहाँ 40 किलो 700 ग्राम लेना है वहाँ कहीं कहीं ज़्यादा शिकायत आया था, तो मैंने देखने आया था कि क्यों ज़्यादा ले रहे हैं। और जो लेबर है हमारे, जो परमानेंट यहाँ काम करने वाले लोग हैं, वो किसानों से कराया जा रहा है कई जगह, तो शिकायतें मिला था मुझे। तो मैंने आज भ्रमण केंद्र, जहाँ जहाँ भी धान केंद्र है खरीदी का, वहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि देखा जाए कहाँ कहाँ क्या परेशानी है, किसानों को समय पर उनके टोकन कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं, अव्यवस्थाएँ भी देखने को मिला है। उसको मैंने अधिकारियों से बात किया है कि सुधार किया जाए, हमारे किसानों को सुविधा दी जाए, धान खरीद केंद्र में उनको समय पर टोकन कटे और समय पर उनको भुगतान हो और समय पर प्रारंभिक जो मजदूर हैं उनको भी मजदूरी मिले। इस दिशा में मैंने बातचीत भी किया है डीएम ग्रह से और यहाँ के जो प्रबंधक है उनसे भी चर्चा किया कि जो सुतली हमारे मजदूरों को मिले, मजदूरों को जो है, जो किसान खुद मजदूरी कर रहा है अपना बहुत बोरा सिल रहा है, उसको भी मजदूरी दिया जाए। ऐसा मैंने जो देखा कि कुछ कमियां थी उसको मैंने चर्चा करने के लिए आया था। और निश्चित है कि 32 क्षेत्र का बड़ा धान केंद्र है, यहाँ पर किसानों को अच्छी सुविधा मिले, इस दिशा में जो प्रबंधक है मैंने उससे कहा है, उन्होंने आग्रह किया है कि हम उसमें जो कमियाँ हैं उसको सुधार करें। सर, प्रदेश सरकार साथ ही साथ जिला प्रशासन का भी सख्त निर्देश है कि किसान को समुचित व्यवस्था दिया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है सर, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसीलिए कहा ना कि कुछ समस्याएं थी, उसके लिए ही मैंने दौरा किया कई जगह, जो आपने कहा कि समुचित व्यवस्था दी जाए, समुचित व्यवस्थाएं कई जगह अच्छी नहीं है, इसके कारण कुछ कमियां हैं। उसको हमने भी कहा है, जो प्रबंधक है यहाँ के, उसमें व्यवस्था में परिवर्तन करे, सुधार करे, तो हमने सुधार करने के लिए आज किसानों से आए हैं, किसानों को लाभ मिले और समय पर उनको भुगतान मिल जाए, ये हमने प्रबंधक को कहा है कि समय पर उनका धान को खरीदे और बोरा की कमी ना हो, मजदूर जो काम कर रहे हैं उनको समय पर मजदूरी मिले ताकि परेशानी ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।